ये जो इंडिया है ना, यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध से ज्यादा मायने रखता है चुनाव जीतना, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो या बृजभूषण सिंह। कर्नाटका सांसद और एक्स पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है, फिर भी रेवन्ना चुनाव लड़कर बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग भी गए। अब एफआईआर दर्ज हुई है, एसआईटी जांच करेगी, जेडीएस ने सस्पेंड किया है, ऑपोजिशन हंगामा कर रही है, लेकिन यह सब तमाशा बहुत लेट हो रहा है। यौन शोषण के आरोपों की जांच पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कर्नाटक में जेडीएस की जरूरत है, और यही है रेवन्ना का जेल मुक्त कार्ड। माल्या, मोदी और चोकसी की तरह रेवन्ना भी कानून से बचा रहेगा। वहीं यूपी में बीजेपी ने बृजभूषण सिंह के आगे झुककर उनके बेटे करण को कैसरगंज लोकसभा टिकट दिया है। असली उम्मीदवार बृजभूषण ही है। 7 महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवानों ने दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, भारतीय कुश्ती को नुकसान हुआ। ये सारी बातें मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि बृजभूषण सिंह बीजेपी को यूपी में 5 लोकसभा सीट जिता सकता है, लेकिन ये जो इंडिया है ना, यहाँ ऐसी सोच हमें स्वीकार नहीं।